रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने आईआईटी रुड़की परिसर को शहर के लोगों के लिए खोलने और बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करने की मांग को लेकर धरना दिया। विधायक के धरने की खबर लगते ही प्रशासन मौके पर पहुंच गया और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। आईआईटी रुड़की परिसर में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं का प्रवेश खोलने तथा बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करने की मांग को लेकर नगर वासियों ने विधायक प्रदीप बत्रा के साथ बोट क्लब के बाहर धरना दिया। विधायक प्रदीप बत्रा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर जल्द इन मांगों को पूरा करने की मांग की है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि शहर के वरिष्ठ नागरिक और गेट पास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आईआईटी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में आसपास कोई पार्क नहीं होने के चलते नगर वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आईआईटी रुड़की का एक अभिन्न हिस्सा है, वहां शहर वासियों को प्रवेश करने से रोकना गलत है। उन्होंने कहा है कि आईआईटी रुड़की और बोट क्लब का अनुबंध काफी समय पहले खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि सिंचाई विभाग बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करे। आईटी के तानाशाही डर गया और जनता का रोक दिया गया है, उसके चलते लोगों में रोष था और काफी समय से ये समस्या चल रही है। आप मीडिया के बदलाव आपको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है, समझता हूँ कि ऐसा क्या दिक्कत है कि आईटी में पास से भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आईटी अपना रवैया बदले, पास द्वारा लोग अंदर जाने दें, वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें और उसके द्वारा लोग अंदर जाने दें ताकि लोग अंदर जा सकें, घूम सकें, अपने मेहमानों को घुमा सकें और पर्यटन स्थली है तो लोग घूमें। तो ये आज जनता की आवाज के लिए धरना दिया गया। द्वारा माननीय विधायक लुटकी श्री प्रदीप बत्रा जी ने मिलकर जो समस्याओं से अवगत कराया, जो मुख्य समस्याएं जो उनकी उनके द्वारा बताई गई हैं उनमें से एक है कि पहले जो है आईटी द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओपन स्पेस की जो जरूरत है वो एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबके लिए ओपन स्पेस की जरूरत है। तो मेरे द्वारा डायरेक्टर महोदय से मिलकर उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है निस्तारण हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।